हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आप सपोर्ट एंड इंडियन ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी 6 बजने वाले हैं। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कुछ बना लूँ, क्योंकि सुबह मैंने कुछ नहीं बनाया। कल का ही जो कल सुबह खिचड़ा बना था वो भी रखा हुआ था, और शाम को जो कबूली बनाई थी वो भी रखी हुई थी। मैंने इनसे पूछा था कि मैं कुछ खाना बना दूँ, तो इन्होंने बोला रहने दो, इतना सारा खाना तो रखा है, उसका क्या करेंगे, तो वही खा लेंगे। और वैसे भी तुम्हारा रोज़ आया तो तुम थोड़ा आराम भी कर लो। तो मैंने कहा वो वाली बात नहीं है, मैं बना दूँगी। लेकिन तो फिर कहने लगे नहीं, इतना सारा खाना रखा है, वेस्ट हो जाएगा, हम लोग यही खा लेंगे। तो बस बच्चों ने कबूली खा ली थी, उन्हें भी कबूली खा ली थी और खिचड़ा खा लिया था। तो सुबह का तो हो गया, अब शाम को मैं रोज़ा इफ्तार के लिए तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो बच्चे भी खा लेंगे, और खाने में मैं थोड़ा सा मटन रखा हुआ है तो वो मैं बना लेती हूँ, तो हमारा शाम का खाना हो जाएगा, रात का खाना। और बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमें मेला देखने जाना है, क्योंकि कल अक्सरा ने बोल दिया था कि यहाँ पर मेला रहा है, क्योंकि 10 मुहर्रम के दिन जो है ना वहीं पर जो है ना करबला है, तो वहाँ पर ताजिए आते हैं लौट कर, तो सभी चारों तरफ के जो भी मुस्लिम रहते हैं वो सब आते हैं वहाँ पर। तो खाने पीने के स्टॉल लगते हैं, बच्चों के झूले लगते हैं, खिलौने वगैरह के स्टॉल लगते हैं, तो इस तरीके से एक छोटा सा मेला भरा जाता है वहाँ पे। तो ये लेकर जाएंगे भी बच्चों को, लेकिन मैं फिलहाल अपनी तैयारी करती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी रोज़ा इफ्तार का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे रोज़ा इफ्तार के लिए बना रही हूँ पकौड़े, और साथ ही बनाऊँगी पास्ता। तो बस यहाँ पे मैं पकौड़ियों को जो है ना फ्राई कर रही हूँ। तो आधी पकौड़ी तो मैंने आलू की बनाई है और आधी मैं ऐसे बना रही हूँ, और बस उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल निकाल दिया था, अब उसी कढ़ाई में मैं पास्ता बना रही हूँ। तो पास्ता भी मैं सिंपल सा ही बनाऊँगी, क्योंकि जिससे बच्चे खा सकेंगे, और इस टाइम पे घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही अकेली हूँ, क्योंकि आज है 10 मुहर्रम। तो हमारे साइड जो है ना 10 मुहर्रम का मेला लगता है, तो बस इसीलिए जो है ना सब बच्चे और ये वहीं पर गए हैं, क्योंकि बच्चे जिद मचा रहे थे तो इनको लेकर जाना पड़ा। तो बस यहाँ पे ये है उस साइड की वीडियो, तो ये देखो मेला लगा हुआ है और ताजिए जो है ना ठंडे हो रहे हैं, तो यहीं पर कब्रिस्तान में ही मतलब हमारे यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे देखो मंगोड़े फ्राई हो रहे हैं, तो बस गुलाबसा या मंगोड़े खा रही थी, और यहाँ पे ये जो है ना घर के लिए भी मंगोड़े लेकर आए थे। तो यहाँ पे जो भी मतलब मेले का छोटा रूप लगता है, पापड़ है, ये क्रीम रोल है, खाने पीने की चीज़ें लगती हैं, बच्चों के लिए खिलौने टॉयस वगैरह के स्टॉल वगैरह लगते हैं, तो सारा कुछ यहाँ पर मतलब इस तरीके से होता है। तो मैंने इनसे बोल दिया था कि थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना हम बच्चों के लिए ये टॉयस वगैरह बच्चों ने ख़रीदे हैं, और बच्चों ने ये वाले जो है ना हेयर बैंड ख़रीदे हैं। तो बच्चों को जो है ना ये लाइट वाइट का सामान अच्छा लगता है, तो बस यहाँ पे जो है ना इन अपनी शॉपिंग जो है ना कर ली है। ये देखो ये ग्लव से दिखा रही है कि ये ख़रीदा है, तो ये सारी शॉपिंग जो है ना इनाया ने खरीदी है करी है। तो बस यहाँ पे फिर इसके बाद जो है ना ये लोग गए थे झूले पे झूलने, तो इस बार जो है ना हमारे साइड जो नाव वाला झूला होता है ना, तो वो आया था, पहली बार आया था, तो बस उसी टाइम पर ज़्यादा टाइम पर यहाँ पे मिल गया था ये पान का स्टॉल, तो और चीसान और बोंटी थे, तो बस इन लोगों ने जो है ना पान खाया है। और जैसे कि मैंने बताया कि अब यहाँ पे ये झूला झूलने के लिए आ गए हैं, तो ये देखो बड़े खुश हैं, बच्चों को तो जो है ना झूले मिल जाए बस बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक नाव वाला आया है और एक ये जो गोल वाला होता है ना झूला वो आया है, तो ये दो झूले आए हैं यहाँ पर, और ये नाव वाला तो ना फर्स्ट टाइम ही आया है, और इनाया बड़ी खुश थी। ये देखो सभी लोग मतलब खुश है, झूला झूलने के तो जो है ना सभी लोग शौकीन होते हैं। तो बस और यहाँ पे मैं एक कमेंट ले रही हूँ कि मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपका जो नीचे वाला फ्लोर है वो ऐसा ही रहेगा क्या या क्लीन होगा? तो सिस्टर अभी इसकी घिसाई होनी है, अभी सिर्फ जो कोटा स्टोन है वो लगा है और इस पर जो मसाला है वो लगा है सिर्फ, तो अभी इसकी घिसाई होनी है, लेकिन हम लोग यहाँ रहने आ गए इसलिए इसकी घिसाई अभी नहीं हुई है। जब हमारा बीच वाला फ्लोर जो पोर्शन है ना वो तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे काम चलेगा।
तो अभी सिर्फ 20 से 25 या 1 महीना, मैं 1 महीना लेकर चल रही हूँ। 1 महीने के अंदर जो है ना हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन है बिल्कुल रेडी हो जाएगा और फिर जो है ना हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और बस फिर हमारे जो नीचे वाले पोर्शन की घिसाई हो जाएगी और फिर ये वाला पोर्शन भी बिल्कुल चिकना हो जाएगा, जैसे कि ग्रेनाइट होती है ना शाइनी, वैसे ही ये हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ऐसा ही है, भले ही गोडाउन का है लेकिन है तो हमारा घर ही, तो इसको भी हम बहुत अच्छा करा लेंगे। तो बस यही है, वजह अभी नहीं हुई है, तो जब मसाला से हमारा जो बीच वाला पोर्शन है अब रेडी ही होने वाला है, क्योंकि उसके जो सारे काम हैं वो चल रहे हैं, एक साथ सारे काम चल रहे हैं, चाहे वो टाइल्स हो, चाहे वो कलर पुट्टी का हो, लाइट हो, सारे काम एक साथ चल रहे हैं। ये नहीं है कि एक काम ख़त्म हो जाए दूसरा काम, तो इस तरीके से हमने नहीं कराया है, क्योंकि हमें जल्दी ही शिफ्ट होना है ऊपर। तो बस इसी वजह से हम जो है ना उसका ही वेट कर रहे हैं, फिर ये नीचे हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना बच्चे खाने पीने का सामान लेकर आए थे, ये लेकर आए थे तब, तो बस ये एंजॉय कर रहे हैं। तो बस अभी सुबह का टाइम है और अभी चल रही है बच्चों से जूझने का टाइम है, तो ये हमारी छोटी बच्ची जो है ना दूध नहीं पी रही है, पी ले बेटा दूध जल्दी से पी ले, मना करती है नहीं पी, गुस्सा हो गए। तो बस अभी बच्चों ने पहले बनाना खा लिए थे फिर दूध पी लिया है, और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। देखो तो अभी मैंने कोई काम नहीं किया है, तो अभी बस फिर चाय पी लूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी और आज हमारा जो काम है बंद है, क्योंकि त्योहार का टाइम है, रक्षाबंधन है, तो वो आप सभी को रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक। तो बस इसीलिए सभी काम वाले आज ऑफ कर दिया है। अभी कुछ तो 4 दिन की भूल कर गए हम, 4 दिन की छुट्टी करेंगे, कुछ 2 दिन की, 1 दिन की, इस तरीके से, क्योंकि सबका अलग अलग काम है और सब। और अभी पीछे देखो आपको दिख रहा है सीढ़न, वो इसलिए क्योंकि पीछे का जो पलस्तर है वो स्टार्ट हो गया है, तो बस इसी वजह से अभी पूरी दीवार गीली हुई है, ऊपर की तो पूरी ही गीली है, ये भी पूरी गीली है, तो बस एक ही दिन पलस्तर हो पाया है। और वो वीडियो मैं इसमें ही शेयर कर दूंगी, मैंने बनाई थी। तो बस अभी ये पलस्तर हो जाएगा ना तो फिर ये सीढ़न वगैरह खत्म हो जाएगी बिल्कुल, वैसे नहीं आ रही इतनी सीढ़न, देखो पहले इस साइड आती थी ना अब नहीं आ रही, क्योंकि इस साइड पहले पानी गिरता था ऊपर से, तो इस साइड सीढ़न रहती थी, तो अब नहीं है। तो बस यहाँ पे, और मैं आज अपने नए घर में फर्स्ट बार निकाल रही हूँ घी मलाई से, जो कि आप लोग मेरे ससुराल वाले घर में जरूर देखते थे ना, कि आए दिन में बताती थी कि मलाई से घी निकाली, मलाई से घी निकाली, तो आज भी अपने घर में फर्स्ट बार घी निकाल रही हूँ। तो मलाई एक टिफिन इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने कहा इसको भी रख देती हूँ, तो ये भी हो जाएगी जब तक मैं अपनी चाय भी पी लूंगी और ये घी भी निकल आएगा। तो बस आलिया ने तो दूध पी लिया है, इराया भी ऐसी पी रही है, देखो आपको दिखाने के लिए पीने लगी थी, और अब फिर से उसने गिलास साइड में रख के खेलने लगी, तो उसके लिए ना बैठना पड़ता है तब वो जाके दूध पीती है, और खाने पीने में भी उसका ऐसे ही चलता है। तो बस अभी मैं चाय पी के हाँ झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि आज जो है ना बाहर का हिस्सा भी हमारा पूरा सूख गया, वैसे गीला रहता है, काम वगैरह चलता रहता है तो गीला गीला रहता है, तो इसलिए बाहर की मैं ज्यादा झाड़ू नहीं लगा पाते हैं, बस मैं इतने ही एरिया में हम लोग रहते हैं ना उधर की ही सफाई कर पाती हूँ, तो आज वो सूख गया है तो मैं उधर की भी आज झाड़ू लगाऊंगी बाहर तक, क्योंकि बाहर उस साइड की अगर सफाई भी कर दो ना तो वापिस से गंदा हो जाता है, फिर से रेत रेत हो जाती है, तो इस वजह से। तो और आज है मुहर्रम के बाद जो तीजा होता है ना वो, तो आज मैं फाते दिलाऊंगी, क्योंकि मेरी जो सास थी वो इस दिन फाते दिलाती थी, तो बस मुझे अपना काम वगैरह निपटा कर और फिर मैं जो है ना शायद आज हमारी फातिहा शाम तक दिल पाए, क्योंकि अभी क्या हुआ कि कल गाड़ी में हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर आज ये दिखाने ले गए गाड़ी को, वैसे ग्वालियर जा रहे थे लेकर, क्योंकि पापा गए हैं आर्यन को लेने के लिए, तो पापा इन्हीं के साथ जा रहे थे, तो पहले गाड़ी क्या पता नहीं अभी पिंचर जुड़वाई थी इनने, जो टायर पिंचर हो गया था, तो वो टायर पिंचर वाले ने टायर पता नहीं कैसा
कसा सही नहीं कसा, तो गाड़ी जो है ना वाइब्रेट कर रही थी, तो इस चक्कर में उनको सही नहीं लग रहा था। जो चलाता उनको हाल पता चल जाता कि गाड़ी में क्या कमी है। जो भी इंसान अपनी गाड़ी कुछ भी चलाता है तो उनको पता चल जाता है। तो बस यहाँ पे अभी ये घी निकल रहा है और एक साथ चाय बन रही है, तो इसी के साथ मैं वीडियो का भी एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।